हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी दिन ही निकला ही है और हमारे बच्चे स्कूल जाके वापस भी आ गए, और आते ही देखो क्या इन्होंने घर की हालत खराब कर दी है। कहीं पे शूज, कहीं पे बैग, कहीं पे कपड़े, बस फैलारा डाल दिया सब जगह। आते ही एग्जाम्स चल रहे हैं इनके दोनों के, तो 10:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, और आते ही बस घर का ये हाल इन्होंने मचा दिया है। तो अभी गणेश जी को स्थापित करने का भी टाइम होने वाला है, और ये नीतू कर रही है तैयारी। और यहाँ पे डेकोरेशन हमारी वही है जो हमने जन्माष्टमी पे की थी, बस कुछ थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और नोनू जी भी आ चुके हैं स्कूल से। नोनू, एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? एग्ज़ाम कैसा हुआ? अब किस चीज़ का है? हाँ, तो ट्यूशन जाना, उससे पहले रिवीजन कर लो। चलो, तुम्हारा भी हिंदी था? तुम क्या लिख के आए हिंदी में? नहीं, नहीं पता। मैथ्स का एग्जाम था इसका, और कह रहा मेरा हिंदी था। इसको ये नहीं पता मैथ्स क्या होती है, हिंदी क्या होती है। हमें वही कह रही, इसको ये नहीं पता मैथ्स क्या होती है, हिंदी क्या होती है। जो भाई बोल देगा, मेरा भी वही था। तो चलो, अभी हम पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं और फिर अपने गणेश जी को लेके आते हैं। इमली वाला पता कुछ है नहीं इसको, अनपढ़ बच्चे को क्या करने स्कूल जाता है? कुछ पढ़ता लिखता भी है तू? ये जाता है चीकू पराठे खाने, या बस चीकू पराठे या अनार खाने जाता है स्कूल में। हाँ, से आना है तू। पूजा की हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं, और आखिरी काम बच गया नीतू मैडम का, ये बना रही है मोदक। अरे वाह, मगन होके प्रोसेस में लगी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। लेट्स सी द रिजल्ट। मस्त बन गया था। मोल्ड का ये तो फायदा है, बनता तो मस्त है। हाथ से बनाती थी पहले तो ये आड़े तिरछे। वो दो A few moments later. तैयारी हमारी हो गई है पूरी, और अब हम चले अपने गणपति जी को लेने। देखो बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। कहाँ लेके जाओगे गणपति जी को हमारे? हैं? हाँ नोनू, कहाँ लेके जा रहा गणपति जी को? पहुँच भी रहे तेरे पैर वहाँ तक। चलो भाई चलो, तलो भाई तलो, गणपति जी को लेके तलो। जय देव जय देव।
हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और ये देखो ये रूस के अपनी गाड़ियों से खेल रहा है, इसको धमका दिया, शोर मचा रहा था ये। मुंह देखो इसका गाइस, इसका मुंह देखो, रूसे हुए बच्चे का मुंह देखो इसका, सोना ऐसे पता है ना कैमरा ऑन है इसलिए ये ड्रामा कर रहा है हमारे सामने। अभी जब भोग लग जाएगा ना, जैसे चीज मिलेगी जब मानेगा ये। क्या कर रहा है, क्या लाए? इसको प्रसाद देने की जरूरत नहीं है, भोग लगते ही सीधा जाएगा, उठाएगा और अपने पसंद की चीज ली और गट बस। काजू काजू दिख जाए फिर ना चाहिए ऐसा कुछ और। तो अभी तो गाना गा रहा था केला खाओ खारा काजू है, केला खाओ ना मिलेगी शक्ति। सुनाइए गाइस को गाना, सुनाइए केला खाओ सुनाइए कैसे है वो, मैं भूल गई। केला खाओ मिलेगी शक्ति, मिलेगी शक्ति और दूसरा मेरे हाथ में है, और दूसरा इसके हाथ में है। भगवान जी को भोग नहीं लगा तो पहले उठा लाए, कोई बात नहीं, बच्चे भी छोटे भगवान होते हैं है ना, बच्चे भी तो भगवान जी होते हैं। इस काल तो नहीं मत कह लग जाइए मेरे भोग लगाओ, ठीक है ठीक है। निपटा के मैं आ गई ऊपर और अब मैं करूँगी अपने ऑफिस का काम, क्योंकि मैंने आज सुबह का हाफ डे लिया हुआ था और अब हाफ डे ख़त्म, तो उठा लेते हैं अपना लैपटॉप बैग और लग जाते हैं अपने काम पे। और मेरे बच्चों को देखना बेचारे कितने पढ़ोतरे हो रहे हैं, किताबों में ऐसे खोए हुए हैं जैसे तो कितना ही पढ़ते हैं। ये पार्ट टू की बुक्स मिली है उनमें खोए हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम है उसकी कोई खबर नहीं है इसको है। किस चीज़ का एग्ज़ाम है कल, हिंदी शुरू हो जाओ, चलो सब लर्न है। अभी सुनती हूँ जब पता चलेगा। सोना तुम क्या पढ़ रहे हो भाई की बुक्स में है? मैं तो देख रहा भाई की बुक्स, वो फोटो देखता बस, इसको पढ़ना वढ़ना आता है नहीं है ना। सोना फोटो देख रहा है, चल रख दे भाई की बुक्स, फाड़ देगा फिर तुझे मारेगा ये। नोनू ये बुक्स अभी मैम पढ़ाएंगी ना बेटा एग्जाम के बाद, इनको रखो और जिसका एग्जाम है कल वो शुरू करो। चलो मैं ऑफिस का काम करूंगी, तुम रिवीजन करो अपनी, ओके सब लर्न है ना। अभी सुनती हूँ, रुक जा, अभी कह रहा मुझे सब लर्न है, और अभी जब मैं इससे सुनने बैठूंगी ना फिर बोलेगा मम्मा बस मुझे यही लर्न नहीं है, मम्मा बस मुझे यही लर्न नहीं है, इतना सारा निकाल देगा ये जो कि इसको लर्न नहीं होगा। अभी ट्यूशन जाएगा ये, अभी मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ, थोड़ा सा अपना काम कर लूँ और फिर इस काम को निपटाने के बाद फिर इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। गाइस शाम हो गई है और नीतू ने खाना बना लिया है, मैं अभी आई हूँ नीचे अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके और भगवान जी को भोग लगाने का टाइम हो गया है, तो खाना रेडी है और भोग की थाली भी रेडी है। और ये हमारे भगवान जी की भोग की थाली रेडी है और ये दाल नीतू ने अलग से बनाई है बिना प्याज वगैरह की। बेचारे नीतू का काम बढ़ गया, पहले एक ही जगह खाना बनता था, अब इसको डबल डबल बनाना पड़ता है, एक जगह बिना लहसुन प्याज की और एक जगह जो नॉर्मल खाना बनता है वो, क्योंकि हमारी मम्मी खाती हैं बिना लहसुन प्याज की, बस वही परहेज करती हैं। और ऐसा पता नहीं कहीं से उन्होंने सुन लिया है कि घर में एक इंसान अगर परहेज कर ले ना तो वो सबको फल मिल जाता है उसका, तो हम उनसे ही करवा लेते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइस काम खत्म करके हम आ चुके हैं ऊपर और अब है मेरा और सोना का पकेटी टाइम। सोने से पहले मैं थोड़ी देर ऑफिस को बकवास करने ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, मेरे को बहुत अच्छी नींद आए। तो ये हमारा रोज का है इस टाइम का, इस टाइम पे हम अपनी मस्ती करते हैं दोनों माँ बेटा। तो अभी थोड़ी सी मैं इसके साथ करूँगी मस्ती और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। और कल तो नूनू का एग्ज़ाम नहीं है, इसका भी एग्ज़ाम नहीं है, दोनों की छुट्टी है, बट मुझे ऑफिस जाना है, भैया को भी ऑफिस जाना है, बाकी सबको अपने अपने काम पर जाना है, तो उठना पड़ेगा जल्दी ही। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।